So here I am going to share my life journey, how I started my acting career, what made me decide to be an actor. So मैं शुरुआत करता हूँ स्कूल के दिनों से. So I am the only child of my parents. The reason was my father was not like financially independent. So he decided कि चलो एक ही लड़का रहेगा. So यहाँ से कहानी शुरू होती है. फिर when I was in school, सबको लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने लिखने में, मेरे टीचर्स. जबकि somehow I knew this from inside कि I'm not very good at studies. मेरे फादर चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में चले जाऊँ. तो समझ मुझे पता था कि मेरी कैपेसिटीज नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं ये सब कर सकता हूँ. और स्कूल टाइम से ही मुझे लगता था आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल. मुझे जब से मेरे सेंसेस डेवलप हुए फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड टू टेंथ और ट्वेल्थ, आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज नाउ आई रियलाइज माई टीचर्स वर नॉट गुड. दे वर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट. एंड स्कूल टाइम में होता था कि आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं जो आपकी क्लास में हैं, दे वुड गो टू सम हॉलीडे डेस्टिनेशन. फिर आ करके वो कहानियां सुनाना कि मैं यहाँ गया था, वहां गया था. और मैं सुन के लगा था मुझे कब जाने का मौका मिलेगा. एंड समहाउ मुझे पता था कि मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज आई नो माई फादर्स फिनेंशियल कंडीशन. सो एक इवेंट हुई मेरे लाइफ में, एक रिलेटिव के हमें शादी में गया हुआ था. हाँ, सो लेट मी ऑल्सो दिस. माई फादर रन्स वर्कशॉप जहां पर गाड़ियां बनती है. सो ऑब्वियस सी बात है कि फिनेंशियली अच्छे नहीं थे. तो हमें एक इन्विटेशन आया था एक रिलेटिव के यहाँ से, वेरी क्लोज इमीडिएट रिलेटिव थे. मैं वहां गया, हमें नए नए कपड़े दिलाए गए थे. तो एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे, उन्होंने मेरे जूते की ओर देखा एंड ही वाज लाइक अच्छा बड़ा नया जूता पहन गया है, तो कहां से आया. एज इफ ही वाज ट्राइंग टू यू नो पॉइंट आउट कि यू डोंट deserve because तुम्हारे फादर की इतनी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि तुम्हें इतने एक्सपेंसिव और नए जूते दिला सके. सो somehow मैंने उस समय नोटिस नहीं किया बट मेरे जहन में वो चीजें अटक गई. ठीक है, फिर 7 साल बाद ड्यूरिंग एक्टिंग वर्कशॉप आई वॉज डूइंग एक्टिंग वर्कशॉप विद बैरी जॉन, काफी पॉपुलर टीचर है. उन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि इट वॉज मेंटल वायलेंस. सो वो इंसिडेंट मेरे अंदर चलता रहा. फिर 10th के बाद फाइनली आई रियलाइज कि आई नीड टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, दैट एनवायरमेंट, वो लोग, वो सोसाइटी. और बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ. So after 10th, I sat with my father and I expressed this desire to be an actor. तो father ने जैसा कि उनको react करना चाहिए था कि यार possible ही नहीं है because दूर दूर तक कोई जान पहचान था नहीं. और जहां पर हम लोग रहते थे, जहां हमारा गांव है, वहां से पटना पहुंचने के लिए हमें 2 घंटे लगते थे. रोड की कंडीशन सही नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. सो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू कैन इमेजिन कि मैं मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है. सो सम ऑफ फादर अग्रीड, उन्होंने बोला ठीक है मुझे 1 महीने का टाइम दो. फिर वो कहीं से एक एड्रेस लेकर के आए बैरी जॉन, जहाँ उनका एक्टिंग स्कूल था. फिर हालांकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं साथ में आगे पढ़ाई करता रहूँ, तो और उनकी क्लासेस भी दिल्ली में होती थी, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया. साथ साथ मेरी पैरेलल क्लासेस चल रहे थे. और फिर मैं वहाँ बैरी जॉन के टच में आया. फिर बैरी जॉन के यहाँ मैंने क्लासेस स्टार्ट की.
और ट्रस्ट में जब पहली राउंड के यहाँ गया तो मेरे लिए एक नया कल्चरल शॉक था। मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा स्टूडेंट हूँ, वहाँ गया तो सारे लोग इंग्लिश में बातें करते थे, मेरे लिए कल्चरल शॉक था। फिर वहाँ जाके मुझे पता चला कि एक्शन और बाटा एक ब्रांड होता था जूतों का, इफ यू रिमेम्बर, उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड होते हैं। और मुझे वहाँ पता चला कि मुझे पहले पता था कि मारुति की गाड़ियाँ होती है, दिल्ली पहुँचा तो मुझे पता चला कि मारुति के अलावा भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, बीएम, मर्सिडीज वगैरह वगैरह। सो इस तरीके से मेरा इवॉल्यूशन हुआ, लोगों से मिला, इंट्रैक्शन हुआ, फिर वहाँ से थिएटर करना शुरू किया। एंड बैरी हैज बीन वेरी नाइस, वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव टू मी शुरू से। बट कुछ लोग थे, हमेशा होते हैं हर जगह, जो आपको बुली करते हैं, बोलेंगे अरे तू बिहार से आया, तू बिहारी है, तू इंग्लिश नहीं आती, मतलब नहीं आती तो मैं क्या करूँ, सिखा दो मुझे वगैरह वगैरह करके। फिर वहाँ से फिर मैं, मेरी क्लासेस पूरी हुई, मैं थिएटर कम्प्लीट करके, क्योंकि आपका एक्टिंग करे बॉम्बे में बनता है, इंडस्ट्री आपकी बॉम्बे में, बॉम्बे जाना था, बॉम्बे जाने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ मनी, बिकॉज वहाँ रेंट काफ़ी हाई है, किसी को आप जानते नहीं हो बॉम्बे में। बट फाइनली आई हैड टू बी देयर, मैंने डिसाइड किया कि मुझे बॉम्बे जाना ही है। दो साल हो गए थे दिल्ली में, मेरी क्लासेस भी पूरे हो गए, मेरे मैंने अपना 12th भी कंप्लीट कर लिया था। सो आई रीच बॉम्बे और मैं किसी को नहीं जानता था, मुझे, मैं थिएटर करता था तो थिएटर का मीडियम मुझे पता था कि थिएटर एक स्टेज पे होती है, मुझे फिल्म के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, बस मुझे प्रोसेस क्या है ये भी नहीं पता था। बट मुझे एक्टिंग आती थी, बिकॉज मैंने ट्रेनिंग ले ली थी, और किससे बात करूं, कैसे बात करूं। सो फाइनली एक दिन, हाँ, आई वॉज स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस, वो पर डे कुछ देना होता है, बिकॉज बॉम्बे में घर काफी एक्सपेंसिव होते हैं। आज एक दोस्त से मिला, मतलब एक स्ट्रेंजर था, वो मेरा दोस्त बना, फिर वहां से उसने बोला कि लेट्स गेट अ हाउस टुगेदर, मैं बोला ओके। तो उसने बोला कि पैसे अरेंज करते हैं, यू हैव टू गिव डिपॉजिट टू द ओनर। तो हमने कहीं से पैसे अरेंज करवाए, फादर ने कहीं से अरेंज करवा के दिए, इट वॉज ह्यूज अमाउंट। फिर एक दिन क्या हुआ कि पता चला कि 6 महीने बाद वो सडनली गायब हो गया, वो पैसे लेकर के, एंड आई वॉज ऑन रोड एंड आई वॉज हेल्पलेस, समझ में नहीं आ रहा था इतने बड़े शहर में मैं क्या करूं। ये है बात 2010 की, आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। फिर उसके थ्रू मैं किसी से मिला था, द पर्सन वॉज डूइंग टीवी सीरियल, उसमें एक टीवी सीरियल आता था सब टीम पे, मोहल्ला मोहब्बत वाला। आई वेंट टू द पर्सन, द एक्टर, एंड आई से सर मैं आपका बॉय बन सकता हूँ क्या? लाइक जो बड़े एक्टर्स होते हैं उनका एक स्टाफ होता है, स्टाफ चलती है, 3-4 लोग स्टाफ लेके चलते हैं, उनका एक स्पॉट बॉय होता है। सो बिकॉज आई हैड टू सर्वाइव, आई हैड टू लिव इन दैट सिटी, तो उसने बोला कि जो स्टैंडर्ड रेट होता है नॉर्मली बॉय चार्ज करते हैं 1500 रुपये पर डे, मैंने बोला कि एक काम करो तुम्हें 700 रुपये पर डे दे देना, एंड ही वॉज सुपर हैप्पी, चलो आधे पैसे मेरे बच गए, ठीक है। आई लकली उसका जो परमानेंट स्टाफ था वो गाँव गया हुआ था। सो मुझे प्रोसेस जानना था कि सेट होती कैसी है, फिल्म बनती कैसी है, क्योंकि सेट पे एंट्री मिलती नहीं है, जो अगर आप बाहर के आउटसाइडर हो, किसी को नहीं जानते हो, तो यू आर नॉट अलाउड एट द सेट। सो फिर मैं उसके साथ सेट पे गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो हमेशा, मतलब कि उस, मेरा काम था, माई जॉब वॉज टू सर्व टी एंड कैरी हिज बैग, उसके लिए सिगरेट लाना, सिगरेट जलाना, जो नॉर्मली बड़े एक्टर्स का स्टाफ करता है। तो समहाउ आई ऑल्सो हैड दिस सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यार मैं ये करने तो नहीं आया हूँ, बट वो इंटर करके मुझे समझ में आया कि प्रोसेस क्या है, कि फिल्म कैसी बनती है, कौन कौन राइटर है, कौन टेक्नीशियन का जॉब क्या है, लाइटमैन का क्या काम है। सो सडनली 3-4 महीने ऐसे गुजरते गए और आई वॉज नॉट एबल टू यू नो कन्फेस दिस टू माई फादर, द फैक्ट वॉट एवर सिचुएशन आई वॉज गोइंग थ्रू।
कि ऐसा ऐसा हुआ, बिकॉज मुझे लगा कि वो डिमोडलाइज हो जाएंगे, वो बोलेंगे आ जाओ चलो फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लाइफ में। बट समहाउ मुझे पता था कि मुझे वहां नहीं जाना है, उन लोगों के बीच में मुझे नहीं जाना है, मुझे आई वॉन्टेड अ फ्रीडम जहां पर मैं हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकूं। एंड आई वॉन्टेड अ प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड एक्सप्रेस माई सेल्फ। सो एक दिन मेरा उससे झगड़ा हो गया कि उसने मुझे बोला बेटा चाय लेकर गया। लिटरली ही मेड मी फील लाइक अ सर्वेंट एंड आई गेव हिम दिस लुक कि भाई मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, ये मैं कर रहा हूं, मैं डिग्निटी के साथ मैं काम कर रहा हूं, सो प्लीज ह्यूमन लेवल पे मेरे से बात करो। तो उसने मुझे वहां से निकाल दिया। तो उस दरमियान मेरी दोस्ती हो गई थी वहां जो भी ईपी लाइन प्रोड्यूसर है, टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग थे। तो उसने बोला कि ठीक है सेट पे आके तुम देखो। सडनली एक दिन मैं सेट पे बैठा था ऐसे ही, एक सीनियर एक्टर थे वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे कि यार अनुराग कश्यप इज लुकिंग फॉर अ यंग एक्टर। तो मैंने सुना है, आसपास काफी चार पांच लोग थे, मैंने वेट किया कि सब लोग बाकी एक्टर चले जाएं, फिर मैं उनके पास गया। मैंने बोला कि सर अभी आप बात कर रहे थे कि अनुराग कश्यप सर इज लुकिंग फॉर एन एक्टर, मैं फील्ड बैठता हूँ क्या, मैं जाके मिल सकता हूँ क्या? उन्होंने मुझे एक अजीब तरीके से देखा और उन्होंने इस तरीके से एज कि उनको एक एक्टर चाहिए, उनको एक अनपढ़ आदमी स्टाफ स्पॉट बॉय नहीं चाहिए। तो मैंने बोला सर मैं एक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मीडियम समझना है कि होता कैसे है, मुझे एंट्री लेनी थी। देन ही लुक्ड एट मी, बहुत लंबा सा एक 10-12 सेकंड तक देखा, फिर उन्होंने मुझे उनके कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर दिया, गौतम कृष्ण दानी करके। He's like officially Gautam is the first casting director of Indian film industry. उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा टेस्ट लिया, ठीक है, और जो कुछ भी हो रहा है, आई वॉज होमलेस बिकॉज इस आदमी ने मुझे घर से निकाल दिया था। फिर मुझे लगता था कि कल मैं बात करता हूँ फादर से कि ऐसा ऐसा हुआ, बट मेरे अंदर करेज नहीं था कि मैं उनको बता सकूँ सारी चीजें। फिर somehow एक दूसरे एक्टर के ड्राइवर से मेरी दोस्ती हो गई। वो बॉम्बे के स्लम में रह रहा था और मेरे पास घर नहीं थे, तो मैंने उससे दोस्ती की। मैंने बोला कि भाई मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ क्या, ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने बोला आ जाओ आराम से घर पे रहो। फिर मैं उसके साथ 1-2 महीने रहा, मतलब फिर वो टेस्ट देने के बाद आई वॉज लाइक वेरी होपलेस कि अब तो होना नहीं है, आई शुड गो बैक टू माई नेटिव प्लेस। एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, I would call Gautam sir, sir, what's the status? Film बन रही है, नहीं बन रही है? And he was like, I'll let you know. फिर एक दिन मेरा उससे भी झगड़ा हो गया, then he kicked me out of his, जो भी उसको बोलते हैं झोपड़े। फिर मैं finally मैं घर पहुंचा, native place पहुंचा, और मैं wait कर रहा था कि मैं father से चीजें share करूंगी, how was my experience in Bombay? तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा आज बोलूंगा कल बोलूंगा, लेकिन मैं डिले करता जा रहा था, मतलब मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक दिन मैंने सोचा फाइनली मैं बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, एंड आई थिंक कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहिए, आगे की स्टडी करना चाहिए। जब मैं बैठ करके बात करने वाला था कि मेरा फोन बजना शुरू किया, एंड इट वॉज गौतम चंदानी, एंड ही आस्क्ड मी वेयर आर यू। मैंने बोला सर मैं तो इधर हूँ, कल मॉर्निंग सेट पे आ सकते हो क्या? तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं आ सकता हूँ, जरूर आ सकता हूँ। तो मैंने उनसे झूठ बोला कि उन्हें पूछा कहाँ है, मैंने बोला मैं दिल्ली में हूँ। अगर मैं उनको बोलता कि मैं नेटिव प्लेस में हूँ तो उनको लगता कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज पहले पटना से बॉम्बे एक ही फ्लाइट हुआ करती थी ट्रेन। सो एक्साइटमेंट शुरू, फिर मैंने फादर को ऐसा चीजें बताई कि मुझे बॉम्बे जाना है। फिर फादर ने अपनी पुरानी सी गाड़ी निकाली, कहीं से ड्राइवर मंगाया, फिर हम पटना पहुंचे, पटना से दिल्ली के लिए फ्लाइट लिया, फिर पूरी रात हम एयरपोर्ट पे रुके, फिर वहां से मॉर्निंग फ्लाइट बॉम्बे एयरपोर्ट के लिए। सो द थिंग इज कि मेरी पहली प्रोजेक्ट की जितनी फीस थी उससे कहीं ज्यादा मैंने फ्लाइट पे खर्चा कर दिया था। फिर फाइनली मैं बॉम्बे पहुंचा, सेट पे पहुंचा,
फिर आई वॉज वेटिंग फॉर अनुराग सर की अनुराग सर हैं कौन, हाउ डज ही लुक. फिर सडनली एक आदमी आता है, आई वॉज लाइक टॉल एंड यू नो हाई एम अनुराग. तो मैंने देखा तो ही अनुराग कश्यप एंड ही वेरी सो कम्फर्टेबल. उन्होंने मेरे बातें की, बताओ कौन कहाँ से हो तुम. सो आई एक्सप्रेस हिम एवरीथिंग कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा 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 एंड ही वॉज लाइक ए बींग टच. सो लाइक आई सेड कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी, अच्छे अच्छे लोग मिले. जब भी ऐसा लगा कि अब कुछ होगा नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ मिरेकल होता आया है लाइफ में. सो फिर इस बीच और कुछ लोग मिले जिन्होंने बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने हमेशा मुझे फिनेंशियली सपोर्ट किया इमोशनली, बिकॉज माय इंटेंशन वाज टू एक्ट. बस मुझे लगता था बस कहीं से भी एक अपॉर्चुनिटी मिले जहां मुझे एक्टिंग करने का मौका मिले, क्योंकि जब टाइम लंबा होता है यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट डॉटिंग योर सेल्फ, स्टार्ट डॉटिंग ऑन योर क्राफ्ट, ऑन योर टैलेंट. सो इट वॉज अनुराग सर हु बिलीव्ड इन मी और उन्होंने मुझे पहली अपॉर्चुनिटी. बेसिकली ये पहली फिल्म अनुराग सर के साथ मेरी शॉर्ट फिल्म थी जो कभी रिलीज नहीं हुई ऑफिशियली. माई फर्स्ट फिल्म इज गैंग्स ऑफ वासेपुर. सो या आई बिलीव आई थिंक फिनेंशियली डिप्राइव होना इज नॉट अ स्ट्रगल. आई फील आप विजडम के लिए फाइट करते हो, आप नॉलेज के लिए फाइट करते हो, तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रगल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि सही नॉलेज मिले आपको. रैशनल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में. सो वहाँ से वेन आई गेट इन टच विद अनुराग सर, उन्होंने ही सपोर्टेड मी अनकंडीशनली. लाइक मुझे फिर वहाँ से मुझे वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस करवाया, बाहर बहुत सारी फिल्में देखी, फिर एक नया डायमेंशन आया लाइफ में, नया विजडम आया, एक्सप्लोर किया, तो यहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई. सो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी पहली फिल्म से लाइक इतनी पॉपुलरिटी मिलेगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा था. बट चीज़ें आसान नहीं होती है, उसके बाद आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है.